चित्रकूट के आरो विधाम में जहाँ पर हम लोग नहाने आए हैं। अब आपको पीछे का नज़ारा भी दिखाएंगे, कैसे लोग यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं और ये हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, नहा रहे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं क्या माहौल मिलेगा, हम आपको आगे की तस्वीरें करके दिखाते हैं आखिर कैसा क्या माहौल है यहाँ पे। ये पूरा आरोग्य धाम का एक घाट बना हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं और माँ मंदाकिनी नदी जो है उसके पानी से यहाँ पर यहाँ नहाते हैं। बहुत मज़ा आता है, ये नहाने के लिए बनाया हुआ है, फाउंटेन टाइप का एक दिया गया थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आती है। आप देख सकते हैं घाट के चारों तरफ कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और नहाते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, क्योंकि जो प्लेस है काफ़ी अच्छा है। पत्थरों के बीच से पानी निकलता हुआ, झरना हुआ, तमाम तरीके के ऐसी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। हम आपको ऊपर दिखाते हैं किस तरीके से लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये कुछ नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम थोड़ा सा आपको ऊपर से चल के दिखाते हैं चीज़ों को और उसके बाद हम दिखाते हैं कैसा क्या नज़ारा है। तो ये देखिए, घाट बनाया हुआ है, घाट के पास कितने सारे लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं आप। अगर पीछे की तरफ नज़र डालें तो वो एक बना हुआ है, वहाँ से पानी गिर रहा है, वहाँ सारी चीज़ें हैं, तो मौज मस्ती करते हुए लोग आपको देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लोग भी कुछ इंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे साथ आए हैं, ये लोग देखिए साथ हैं, लोटे पड़े हैं, कितना मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। और घाट के उस तरफ देखिए, तो देखिए ये कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ आरोग्य धाम में, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं और वो एक पुल बना हुआ है पार करने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, और इधर देखिए वहाँ दूर दराज से आ रही हैं मंदाकिनी, तो ये यहाँ पर लोग आपको इंजॉय करते हुए मिल जाएंगे, देखिए तैरते हुए देखने मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिल जाएंगी लोग। तो कैसा लग रहा है आपको ये सारा नज़ारा देख करके, हमें देखिए किस तरीके से एकदम झरने के तरीके चल रहा है और लोग यहाँ पर मस्ती करने में लगे हुए हैं सभी लोग, पत्थरों के से पानी होता हुआ और ये पत्थर हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा।